अब हम इस वीडियो में अकबर और राव चंद्रसेन के बीच में क्या संबंध रहे थे इसका अध्ययन कर देंगे, राजस्थान मुगल संबंध में। राव चंद्रसेन का जीवन का शासन काल था 1562 से लेकर के 1581 तक। राव चंद्रसेन का जन्म होता है 1541 ईस्वी में जोधपुर में होता है, मारवाड़ रियासत में। राजचंद्र सेन अपने पिता की मृत्यु के बाद 1562 ईस्वी में ये जोधपुर के शासक बन जाते हैं, और शासक बनते ही अपनी जागीरी को अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट देते हैं, यानी कि राजचंद्र सेन स्वयं जोधपुर की जागीरी ले लेता है। राम इसके भाई था, राम इसको गुंदौज पाली की जागीरी दे देता है, और उदय सिंह को फलौदी, ये जोधपुर में फलौदी की जागीरी दे देता है, और रायमल को सिवाणा की जागीरी दे देता है, सिवाणा बाड़मेर में है। चंद्रसेन का भाई उदय सिंह, राव चंद्रसेन का भाई उदय सिंह इस बंटवारे से नाखुश रहता है और राव चंद्रसेन से युद्ध करता है, रोहबाट का युद्ध करता है 1563 ईस्वी में, और इस युद्ध में उदय सिंह पराजित हो जाता है और अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर की शरण में जाने के बाद, और अकबर की शरण में महाराणा प्रताप का भाई भी जाता था गया था जगमाल भी, और उसने भी महाराणा प्रताप से ही युद्ध करवाया था, और ठीक वैसी स्थिति यहाँ होती है जैसे महाराणा प्रताप के साथ में होती है। तो महाराणा प्रताप के साथ में भी ऐसा ही होता है, उसका जगमाल भाई है वो भी अकबर के शरण में चला जाता है, और वो भी क्या करता है महाराणा प्रताप से बार बार युद्ध करवाता है, और वही स्थिति यहाँ होती है, उदय सिंह अकबर की शरण में चला जाता है और बार बार युद्ध करवाता है, यानी कि राव सेन पर। तो यहाँ जाता है और जाने के बाद में क्या करता है, 1564 ईस्वी में अकबर की सेना हुसैन अली के नेतृत्व में आती है और जोधपुर पर आक्रमण करती है, और यहाँ से जोधपुर से राव चंद्रसेन जालौर भाग जाता है, भांद्रा जून चला जाता है जो जालौर जिले में है। फिर इसके बाद में अकबर नागौर का दरबार लगाता है 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में दरबार लगाने का मुख्य उद्देश्य था राजपूत शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना था। तो इस स्थिति में यहाँ पर इसी दरबार में तीन राजा स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, वो है बीकानेर से है कल्याणमल, जैसलमेर से है हरराम, और फलौदी से है उदय सिंह। और इसी दरबार में रामचंद्र सेन भी उपस्थित थे, और ये यहाँ की व्यवस्था देख करके नाखुश हो जाते हैं और भांद्रा जून चले जाते हैं, और कसम खाते हैं कि वो जीवन भर मुगलों से संघर्ष करेगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। फिर इसके बाद में अकबर भांद्रा जून पर अपनी सेना भेजता है, और यहाँ से भी रामचंद्र सेन बच करके निकल जाता है और सिवाणा पहुंच जाता है। सिवाणा में इसके भाई थे, और इसका भाई था रायमल, वहां जा करके 4 साल तक रहता है, और फिर वहां भी क्या करता है अकबर शहबाज खान के नेतृत्व में सेना भेजता है, और सेना भेज करके रामचंद्र सेन पर आक्रमण करवाता है, और रामचंद्र सेन बच करके फिर वहां से भी सौजत के पास की सारण पहाड़ी पर चला जाता है, और सारण पहाड़ी पर एक गांव है साचिया, वहां पर इसकी 1581 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इस तरह से भटकते भटकते वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ 1572 ईस्वी में अकबर राय सिंह को, जोधपुर के राय सिंह था, राय सिंह यानी कि बीकानेर का राजा था, कल्याणमल उसका पुत्र था राय सिंह, और इसको जोधपुर का प्रशासक बना देता है, और राय सिंह जोधपुर का प्रशासक संभालता 1572 ईस्वी से लेकर के 1575 ईस्वी तक। तो इस तरह से ये अकबर और रामचंद्र सेन का संबंध था।
तो इसमें क्या किया, जो रामचंद्र सेन था इसने छापामार युद्ध नीति अपनाई थी, और यही युद्ध नीति उदय सिंह ने अपनाई थी और उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने भी अपनाई थी। रामचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक तथा महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। रामचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, और इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये अकबर और रामचंद्र सेन का संबंध था। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।